बड़का समाचार के बाद अब भी रहोगे खबर छत्तीसा के। भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर ले धारा 370 हटाए के बाद आम जनमा भारी खुशी है। लोगन एला भारत के एकता और अखंडता पर बड़े और ऐतिहासिक फैसला बतावत है। यही तारतम्य में जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र द्वारा बिलासपुर में भारत एकात्मता यात्रा निकाले गई, जिन शहर के मुख्य मार्ग ले होते हुए देवकी नंदन चौक में समाप्त हुई। जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र कतिले नगर के गांधी चौक ले निकले एकात्मता यात्रा में नगर के जम्मू नागरिक मन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेन। हर वर्ग के लोगन केंद्र सरकार के एक फैसला के समर्थन करत हुए अपन खुशी जाहिर करें और एकात्मता यात्रा में शामिल हुए। इससे जम्मू कश्मीर भारत के साथ एक मतैन होगा, वहाँ आवागमन बढ़ेगा, कश्मीरी समाज में जो सदियों से दलित वंचित और विस्थापित वर्ग हैं उनका विकास होगा। शेष राज्यों की तरह भारत के लिए, कश्मीरियों के लिए और कश्मीरियों के लिए भारत हमेशा से ही एक रहा है, लेकिन कुछ अलगाववादी तत्वों के कारण वहाँ पर कहीं ना कहीं पृथकता की नीति अपनाई गई, वो समाप्त होगी और जम्मू कश्मीर मूलधारा के समानांतर आएगा। 370 के कारण वो शेष भारत से कटा हुआ था और कुछ राजनीतिक या अलगाववादी लोग उसका दुरुपयोग कर रहे थे, आम जनमानस तक उसका लाभ नहीं पहुंच रहा था और देश का बहुत बड़ा जो रक्षा बजट है वो जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए व्यय हो रहा था। अब वो बचेगा, जम्मू कश्मीर में पर्यटन, उद्योग, कृषि का विकास होगा, इससे जम्मू कश्मीर का भी लाभ होगा और देश का भी लाभ होगा। इस संदर्भ में जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र छत्तीसगढ़ प्रांत है, पूरे प्रदेश में कई स्थानों पर भारत एकात्मता यात्रा का आयोजन किया है। इस संदर्भ में आज बिलासपुर में भी आयोजित यात्रा में सम्मिलित वरिष्ठ जन के कहना रही कि आज़ादी के बाद धारा 370 कश्मीर ला भारत ले पृथक साबित करे के काम करत रहे। सरकार द्वारा धारा 370 ला हटाए जाए के बाद एक देश और एक संविधान लागू हुई, जिन कश्मीर मा अलगाववादी ताकत ला खत्म करे बर मील के पत्थर घलो साबित हुई। जो 370 अनुच्छेद था जिसके कारण हमारे देश को ना बहुत ज्यादा असुरक्षा का सामना करवा दिया, को बधाई देता हूँ, जय हिंद जय भारत। जम्मू कश्मीर ला भारत के अभिन्न अंग मानत हुए धारा 370 हटाए जाए के विषय में जिहां प्रशासनिक कसावट आए के बात कहे जाते, तो स्वास्थ्य सुविधा में घलो विस्तार के बाद चिकित्सक मन के द्वारा कहे जाते। अरे ओकर से बहुत बढ़िया हुआ है ना, अभी तक आए कोई डॉक्टर जात नहीं रही ने, और कश्मीरी मन का है बहुत कम डॉक्टर रही ने। अब पूरा भारत देश से हमन भी जाबो, दूसरे भी डॉक्टर क्षेत्र से जाएं, तो स्वास्थ्य सुविधा बहुत अच्छा हो जाए। छोटे छोटे ऑपरेशन के लिए दिल्ली आयल पड़ा तरी से, अब वो सब ऑपरेशन हो जाए, एम्स खुलने वाला है और बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले, तो आने वाले समय में कश्मीरी के लिए तो बहुत अच्छा है। और हम कैंप लगाबो, संघ वाले मन जाओ और बाकी जितना भी है पूरे भारत देश के डॉक्टर वहाँ जाएँ, तो स्वास्थ्य सुविधा में बहुत उत्तरोत्तर प्रगति करी। लद्दाख और जितना पहुंच विहीन है ना, वहाँ पे क्या है, स्वास्थ्य सुविधा बहुत खराब है, वो इतना दूर दूर रहते हैं कि एक एक गांव में वो है कि अस्पताल खोलना मुश्किल है। तो वहाँ पे क्या है, मोबाइल यूनिट बनाए के प्लान है, तो वहाँ पे क्या है, सब सुविधा रही है, जैसे एम्बुलेंस है वही में सब है, ऑपरेशन से लेके डॉक्टर है सब है, तो घर 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 पहुँच सुविधा देना है। तो जो बहुत पहुँच विहीन जगह में, पहाड़ के ऊपर में, जंगल में, वहाँ पर भी स्वास्थ्य सुविधा दे जाए। हमारे यहाँ जैसे 108 की सुविधा है वहाँ पे भी शुरू किया जाए, तो लद्दाख जैसे जगह के लिए तो बहुत ज़रूरी है। और स्वास्थ्य सुविधा में जो 370 के पहली दिन से और अब में कम से कम 1000 गुना के फायदा हुआ है, 1000 गुना अच्छा रही। एकात्मता यात्रा में युवा मन के उत्साह देखेला मिलत रही। युवक युवती मन धारा 370 हटाए जाए के स्वागत करत हुए कहिस, इखर ले बेरोजगारी दूर होए के संग पर्यटन के क्षेत्र में विकास होही, तब महिला मन सशक्तिकरण की ओर अग्रसर हुई। जैसे कि हम सब ला पता है 370 जन रही से तेन तो खैर संविधान के जन स्थायी रूप में है रही से है ना, लेकिन जन 35 है तेन है नागरिकता के रही, ओकर हिसाब से नागरिकता डिसाइड होत रही है नहीं, तो नागरिकता मतलब जन वहाँ के लड़की रही महिला रही ते का बिहाव करके कुआने राज्य में जाती, तो भाई ओकर नागरिकता खत्म, ओकर पिता के संपत्ति ओकर खत्म हो जात रही है ना, ओकर लड़का मन वहाँ रहती तो ओकर संपत्ति नहीं रहती, तो ये सब के फायदा हो से कि 35 ए हटी से संविधान ले है ना, तो हम तो भाई एकर पक्ष मन तुम हाँ बहनी हम सब एकर पक्ष में है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, कश्मीर हमारा।
बात कही तो ये 370 के चक्कर में पूरा भारत देश एक होए के बाद में कश्मीरी मन ला हमन अलगे मान सन या फिर ओमन हमन ला अलगे माने ओमन लागे ओमन ला लगे कि हमन भारत देश के हवन न हो। लेकिन ये जो छत्तीसगढ़ में हमन जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के माध्यम से जो काम करें 10 साल वो केवल अतके रही थी कि हम ओंकारन हो हमारे। अब 370 और 35 से जब ले हट गए तो निश्चित रूप में ओमन के भीतर में जो भावना है और अब हमारे प्रति और हमारे भावना होकर प्रति निरंतर लगे हुए है। हमार लौकर से फायदा का है हमार देश में आज तक ऐसे कहे जात रही से कि कश्मीर में स्वतंत्र रूप से अलग से नागरिकता है, वहाँ हम जमीन नहीं ले सकन, वहाँ कारोबार नहीं कर सकन, नौकरी चाकरी नहीं कर सकन। अब 370 हट गए, 35 से हट गए, अब हम वहाँ जा सकत हन, वहाँ रह सकत हन, वहाँ खा सकत हन, वहाँ के बेटी मन ला ब्याह सकत हन, अपन बेटी मन ला वहाँ ब्याह सकत हन। ऐसे तमाम प्रकार के गतिविधि है ते प्रकार सब टूट गए। एक मिथक रही से लोगन के मन में एक झूठ के बसेरा रही से कि जम्मू कश्मीर आतंकवाद प्रभावित है, वहाँ अलगाववादी मर रहते हैं, वहाँ पत्थरबाजी होते, ऐसे कोई बात नहीं है। अब सारे तरह का से वो सब मिथक टूट गए हैं। सरकार बहुत अच्छा निर्णय ले, बहुत बेरा में निर्णय आए हैं, लेकिन स्वागत योग्य है, निर्णय बहुत सही समय में आए। अब देश की जनता जाग चुके हैं, जम्मू कश्मीर में कोई समस्या नहीं है, ऐसे भी धारणा मन में बन चुके हैं। ये जानकारी ला लोगन तक पहुँचाए जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र 10 वर्ष तक लोगन करा जूझ जूझ के काम करी। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में सबले ज्यादा सोशल मीडिया में एकर फॉलोअर हुई से। न्यायधानी में कश्मीर ले धारा 370 हटाए के समर्थन में निकले यात्रा में लोगन के हुजूम देखे बर मिले। यात्रा में शामिल हुए युवा मन के द्वारा भारत माता के जयकारा ले बिलासपुर शहर गूंज उठेस। बिलासपुर ले हमारे डिजिटल रिपोर्टर रत्नेश यादव की रिपोर्ट।